सब्सक्राइब करें आदित्य मोटोराइड चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। कैसे हो? तो वापस आ गई है जावा की बाइक्स इंडियन मार्केट में धूम मचाने के लिए। और जावा ने अपनी बाइक्स को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है। फर्स्ट जावा, सेकंड जावा 42 और थर्ड जावा पर्क। और इसके बारे में बताने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं ऐसे ही बाइक से रिलेटेड और स्कूटी से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ, तो मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप सबसे पहले देख पाएँ। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो करें, जिससे अगर आप कुछ क्वेश्चंस हैं तो वहाँ आपको इसको जल्दी आंसर्स मिल जाएंगे, तो वहाँ आपके डाउट्स भी जल्दी क्लियर हो जाएंगे। तो ये है जावा और ये है जावा 42। तो ये दोनों बाइक्स का मैं आपको एक साथ रिव्यू करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही सेगमेंट की बाइक्स हैं और दोनों ही सेम परफॉर्मेंस की बाइक हैं। लेकिन यहाँ मैं शॉर्ट कंपैरिजन करूँ बिटवीन जावा और जावा 42 के, तो जो जावा का पेंट जॉब है और क्रोम फिनिशिंग, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है कंपेयर टू जावा 42 के, क्योंकि ज़्यादा क्रोम के प्लेटिंग आपको इसमें देखने को मिलती है और शाइनी सा पेंट जॉब इसमें किया गया है, जो सनलाइट में आपकी बाइक को एक बहुत ही स्टाइलिश लुक देते हैं। लेकिन ये सब तो थी छोटी मोटी बातें जावा और जावा 42 के बारे में। लेकिन अब आते हैं हम इसके मेन मुद्दे पर। दोनों में ही आपको 293 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व DOHC इंजन मिलता है, जो फ्यूल इंजेक्टेड पर वर्क करता है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट टायर के बारे में। तो फ्रंट में आपको 280mm के सिंगल चैनल ABS डिस्क मिलेगा, और इसमें आपको 9190 का फ्रंट टायर का साइज मिलेगा, और इसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक्स के बारे में। तो फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, और इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इसके रेयर लुक्स के बारे में। तो रेयर में आपको एक छोटी सी LED टेल लाइट मिलेगी, जो ओवरऑल बाइक का लुक बहुत अट्रैक्टिव बना देती है। अब बात करते हैं इसके पावर और टॉर्क के बारे में। तो इसमें आपको 27.37 PS की पावर और 28 न्यूटन मीटर का इसमें आपको टॉर्क मिलेगा। अब डिटेल्स लेंगे इसके रेयर टायर्स के बारे में। तो रेयर में आपको 153mm के ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, और 120x80 के इसमें आपको रेयर टायर का साइज मिलेगा, और इसमें आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिलेंगे विद ट्यूबलेस टायर। तो दोस्तों, यहाँ हम एंड अप करते हैं जावा और जावा 42 के स्पेसिफिकेशन से, और अब हम बात करेंगे जावा की पर्क के बारे में। तो ये है जावा पर्क, जिसका लुक सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है कंपेयर टू जावा और जावा 42 के, क्योंकि ये बाइक मेरे को बहुत पसंद आई है और ये बाइक आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ बात करें इसके लुक्स और पेंट जॉब के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको कहीं भी क्रोम की फिनिशिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये बाइक आपको फुल्ली मैट ब्लैक कलर में मिलेगी, जो ओवरऑल बाइक का लुक बहुत ही अट्रैक्टिव बना देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आपको मैट ब्लैक कलर में इसके इंजन का कलर देखने को मिलता है, और इसमें आपको 334 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 30 PS की पावर और 31 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इसमें आपको ड्यूअल डिस्क मिलेंगे विद ड्यूअल चैनल ABS, और यहाँ आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, और रेयर में आपको सीट के नीचे आप देख सकते हैं अंडर बेल मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलाइट मिलेगी, और इसमें आपको जो इंडिकेटर्स मिलेंगे वो इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर्स मिलेंगे। और यहाँ मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि कंपनी ने अभी सिर्फ जावा और जावा 42 की ही बुकिंग स्टार्ट की है, कंपनी ने अभी जावा पर की बुकिंग स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि कंपनी का कहना यह है, अगर हमारी दोनों बाइक सक्सेसफुल हो जाएंगी तो हम इस बाइक को भी
इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारी वीडियो में इसके लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए थैंक्स।